मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि एचआर में से रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। इसमें जो रिपोर्ट होती है और रॉ डाटा में उपलब्ध होता है, आप यदि एक एक डीलिंग क्लर्क का चाहेंगे उसके पास क्या है वो पता चल जाएगा, परंतु यदि आप चाहेंगे किसी सेक्शन का या किसी सुपरवाइजर के अंडर में या ऑफिसर के अधीन कितने सेक्शन हैं उनके बारे में आप रिपोर्ट बनाना चाहेंगे तो आपको एचआर में से डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संबंधित डाटाबेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद ही आप उस रिपोर्ट को बना सकते हैं। ग्रुप में या आप लोगों को जैसे भी प्राप्त होती है, मैं आप लोगों को रिपोर्ट जो भेजता हूँ दिखने में बहुत आसान होता है, परंतु वो रिपोर्ट बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। एचआरएमएस की जो रिपोर्टें हैं वो एचआरएमएस की अभी तक रिपोर्ट नहीं बनी हुई है। हमें सभी कुछ अपने से इसको डाटाबेस को डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद एक अपना डाटाबेस बनाते हैं जिससे कि पता चल सके। हर एक एम्प्लॉय की मैपिंग करते हैं कि कौन एम्प्लॉय किस सेक्शन में किस सुपरवाइजर के अंडर किस अधिकारी के अधीन काम करता है। उसके लिए हम एक्सेल में एक पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। जब वो फॉर्मेट बन जाता है उसके बाद ही हम उसको जो है डाटा पोर्ट करके उसको सेक्शन वाइज आपकी रिपोर्ट निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे पोर्ट करते हैं आईपास से, पोर्ट करने के बाद वो डाटा हमें रॉ डाटा मिलता है, मतलब उसमें जो है जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है ट्रांसफ़र होके आ गया है और ट्रांसफ़र होने के बाद उसका जो डीलिंग क्लर्क वही पुराना रहता है जहाँ की पहले से काम कर रहा होता है। उस कंडीशन में यह तो हमें पता नहीं चलता कि किसके उसमें डिफाइन है वो, मतलब जो है वो डीलिंग क्लर्क हमारा है या नहीं है। कभी कभी एक ही नाम के डीलिंग क्लर्क होते हैं जो कि हो सकता है कि जिस रेलवे से या जिस यूनिट से एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होकर आया हो उसका भी वही नाम हो जो हमारे यहाँ का ही डीलिंग क्लर्क का नाम है, लेकिन आईडी अलग होगी। तो हमें पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में वो एम्प्लॉई इन हमारे यहाँ का है या कहीं बाहर का, या एक मान लीजिए ट्रैक मैन आया कहीं ट्रांसफ़र होके उसका डीलिंग क्लर्क वही है, ठीक है, और यहाँ भी वही डीलिंग क्लर्क है, तो हमें ये नहीं पता चलता ट्रैकमैन वास्तव में मैप कर दिया है या नहीं मैप किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस डाटाबेस को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके हम जो है वो है पहले अपने जो सर्वर एम्प्लॉय का जो डाटाबेस होता है उस पर हम अपने डाटाबेस में ले जाते हैं, उसको कॉपी कर देते हैं। अब इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमने जो कॉपी किया तो बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं, इतनी लिस्ट है ये आपके जो ऊपर से लेके नीचे तक ये एक एक दो दो तीन तीन है, ये एम्प्लॉई हमारे डाटाबेस में उपलब्ध नहीं है, ये कहीं दूसरी जगह से ट्रांसफ़र आके आए हैं। जब ये ट्रांसफ़र होके आए हैं तो इनको हम क्या करेंगे कि अपने सेक्शन के हिसाब से या अपने बोर्ड करेंगे या उनको हम असाइन करेंगे। इस असाइन करने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि एक एक एम्प्लॉई को चेक करना है वो किस बिल यूनिट में है, वो बिल यूनिट किस डीलिंग क्लर्क के नाम से असाइन है, उसको देखने के लिए हम पुराना अपना डाटाबेस चेक करते हैं कि मान लीजिए कोई बिल यूनिट है 101 तो 101 बिल यूनिट किस हमारे डीलिंग क्लर्क के पास डिफाइन है। उस 101 जरूरी नहीं कि 101 ही 101 में ही, और जो डीलिंग क्लर्क 101 बिल यूनिट में हो सकता है कि चार सेक्शन हो या हो सकता है उसमें चार डीलर हो, तो डीलिंग जो है डिजिग्नेशन है क्या है उसके अनुसार हमें उस डीलर को चेक करना पड़ता है, डीलर किस डीलर के पास जाएगा ये अपने। लेकिन चूँकि ये हमारे एचआर इलाहाबाद प्रयागराज डिवीज़न में इस शो करेगा ही करेगा, चाहे मैं किसी को असाइन करूं या ना असाइन करूं, ये हमें करना ही करना पड़ेगा, वो पेंडिंग उतना शो करेगा। इसलिए मैं क्या करता हूं कि सबको देखता हूं उनके पुराने डीलिंग क्लर्क कौन कौन से संबंधित जो है आपके, मान लीजिए कोई हेल्पर है, हेल्पर है किस डिपार्टमेंट का है उस डिपार्टमेंट में, अच्छा ठीक उसमें कितने डीलिंग क्लर्क हैं, कुछ डीलिंग क्लर्क देखता हूँ कि उस सेक्शन से पहले कौन कौन से इसमें मैप है, तो उसके अनुसार मैं अपने विवेक से उसको मैप कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। असाइन करने के बाद यदि कोई गलती की वो पेंडिंग हो गया है उस संबंधित चीफ वॉइस के सेक्शन में, तो चीफ वॉइस फिर आ जाएगा कि साहब ये मेरा स्टाफ इसका नहीं इसका है, तो उससे वो प्रक्रिया आसान हो जाती है और मैं आसानी से वो संबंधित जो अनअसाइन डाटा मेरा है असाइन हो जाता है। इससे हर काम हो जाएगा, अदरवाइज अनअसाइन डाटा पेंड रहेगा तो कोई उसकी जवाबदेही नहीं रहेगी, कोई काम नहीं करेगा। ये जो प्रक्रिया है आपको असाइनमेंट करने की, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इसमें समय लगता है। कभी कभी
एक एक एम्प्लॉई मतलब कम से कम 100-100 एम्प्लॉई नए नए आ जाते हैं और हर एक एम्प्लॉई अलग अलग बिल यूनिट का या अलग अलग डीलिंग क्लर्क में मिल जाता है, उसमें मुझे कम से कम 2-2 घंटे लग जाते हैं इसी असाइनमेंट करने में। मुझे पोजीशन बनानी है, आप लोगों को बताना है कि क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या नहीं पेंडिंग है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती, मान लीजिए एक बिल यूनिट है मेरी 912, मान लीजिए उस 912 में 4 डीलिंग क्लर्क हैं। अब गलती से मैंने 912 एक ही एम्प्लॉई को असाइन कर दिया, तो जो 4 जिनको पहले से असाइन थे वो सब 912 में एक ही उसमें हो गया। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि काम करना मुझको ही है, या समझ लीजिए यूनिट एडमिन को काम करना है। तो उसके लिए धीरे धीरे एक एक चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि वो एम्प्लॉई किस डीलिंग क्लर्क का है, कहीं पूरे यूनिट असाइन करनी है या एक एक असाइन करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक यूनिट एडमिन के लिए सबसे बड़ा काम है वर्तमान में HRMS में, क्योंकि प्रत्येक माह 15 दिन या जैसे भी है HRMS जब डाटा पोर्ट करता है उसमें बहुत टाइम लग जाता है रिपोर्ट बनाने में। देखिए मैं एक एक यूनिट में चेक कर रहा हूँ, चेक करके उसको किस मतलब जो है किस डीलिंग क्लर्क के पास जाएगा उसको मैच करता हूँ डिपार्टमेंट डिजिग्नेशन वाइज, फिर उसको असाइन करता हूँ। ये असाइन करने वाली प्रक्रिया है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए गलत असाइंड हो गया है, देखिए पूरा डाटाबेस मैंने बना रखा है, इसी डाटाबेस से ही पूरी में ही पूरी प्रोग्रामिंग है कि कौन से सेक्शन में कौन से डीलिंग क्लर काम कर रहा है। यदि यहाँ पे गलती हो गई होगा जो है बहुत अच्छी बात है, करने वाले समय में आपके सारे काम जो असाइनमेंट करना होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक एक एम्प्लॉय को देखना किस डीलिंग क्लर्क का है, किस सेक्शन का है, किस डिपार्टमेंट का है, पूरी चेक करने के बाद ही एक एक प्रक्रिया पूर्ण होती है। HRMS में ही होंगे, चाहे आपका ऑफिस आर्डर इश्यू करना हो, चाहे प्रमोशन करना हो, चाहे ट्रांसफ़र करना हो, जो भी काम है पूरे आपके इसी HRMS से ही होंगे। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से HRMS सीख लीजिए। ई पास भी शुरू हो गया इसी से, ऑफिस ऑर्डर के लिए भी प्रक्रिया चल रही है वो भी इसी शुरू हो जाएगा, सेटलमेंट है वो भी आपके इसी से शुरू होगा, ओवरऑल जितना भी इस्टेब्लिशमेंट का वर्क है पूरा HRMS से शुरू हो जाएगा।